Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGD Public School. Today I teach you about the second chapter of geography, Inside Our Earth. Inside Our Earth क्या होता है? Means अगर हम Earth की अगर हम बात करें तो Earth जो है outside और inside दोनों तरीके से Earth में क्या है उन चीज़ों को पढ़ाएंगे हम आपको. First chapter में हमने आपको पढ़ाया था कि outside of the Earth. सबसे पहले हम देखेंगे Earth को कितने part में divide किया गया है? दो part में. एक तो outside of the Earth और इनसाइड अर्थ. कि आखिरकार आउटसाइड अर्थ की क्या है? आपने पढ़ा कि बाहर जो चीज़ें हमें जो आउटसाइड में है अर्थ की वो चीज़ें हमें क्या होती हैं? वो दिखाई देती है. आउटसाइड में क्या क्या है? प्लेन्स है, प्लेटूस है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, प्लेन एरियाज है जिस पर हम लोग रह रहे हैं. वो हमारी अर्थ का कौन सा स्ट्रक्चर है? आउटसाइड वाला. लेकिन हम केवल अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार अर्थ जो हमारी है वो अंदर से किस तरह की है और अंदर उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया. तो अगर हम अंदर की बात करते हैं तो अर्थ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहली लेयर है उसकी क्रस्ट, सेकंड लेयर है मेंटल और थर्ड लेयर है कोर. तो इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे? अर्थ के इनसाइड वाले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. वो किस तरह का है? सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में, उसके बारे में पढ़ेंगे. उनकी जो लेंथ है वो कितनी है? अगर उनकी उनकी जो वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो किस लेयर में हमें देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं उनको क्लियर करेंगे. फर्स्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि आखिरकार अर्थ के इंटीरियर में क्या है. रॉक्स एंड मिनरल्स, किस तरह से रॉक्स और जो मिनरल्स हैं वो हमें अर्थ पर हमें मिलते हैं. इग्नियस जो रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ये रॉक्स के ही सब टॉपिक्स होते हैं. रॉक्स के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स आती हैं. रॉक साइकिल कैसे बनता है वो सारी चीज़ें आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट टॉपिक है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ या इनसाइड अवर अर्थ, कि हमारी जो अर्थ है वो इनसाइड में किस तरह से है. आप जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर एक अर्थ मान लीजिए, जो आप लोगों ने ग्लोब देखा है, ग्लोब तो सभी बच्चों ने देखा है कि ग्लोब जो है उसको तो हमें ऊपर से ही दिखाई देता है, लेकिन हम अगर ग्लोब को कट करेंगे तो उसमें हमें अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा. वो क्या है? होलो है अंदर से. लेकिन अर्थ हमारी अंदर से होलो नहीं है, वो अंदर से कई लेयर्स में डिवाइड है. सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, जो सेकंड नंबर की लेयर होती है उसको कहते हैं मेंटल, और थर्ड जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? कोर. तो इस स्ट्रक्चर को हमें समझने के लिए आपने एग देखा है, जो वॉइल्ड एग होता है वो आप देखना. वॉइल्ड एग क्या होता है? अगर हम वॉइल्ड एग को देखेंगे तो उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है वो हमारी कहलाएगी क्रस्ट, क्यों? वो सबसे पतली लेयर होती है. और उसके बाद में जो वाइट वाला स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है? वो सबसे मोटा होता है, वो होता है मेंटल. और अगर हम जो येलो वाला जो भाग होता है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो वो होता है कोर. अगर हम वॉइल्ड एग के थ्रू अगर हम देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली अगर हम वॉइल्ड जो एग होता है उसको अगर तोड़ते हैं तो थोड़ा हार्ड होता है. किसके अकॉर्डिंग हार्ड होता है? जो अंदर वाली जो लेयर होती है, जो येलो वाला पार्ट होता है, वो एकदम कैसा होता है? सॉफ्ट होता है उसके अकॉर्डिंग. तो अर्थ कितने पार्ट में डिवाइड है? थ्री लेयर्स में. कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. सबसे पहले हम किस लेयर को पढ़ेंगे? क्रस्ट लेयर को. क्रस्ट लेयर आखिरकार क्या है और इसमें ये कितनी क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे. अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर. जो कोर एंड मेंटल है उनमें से ये सबसे कैसी है? थिनेस्ट मीन्स होती है सबसे पतली लेयर है. और ये केवल कितनी है? 35 किलोमीटर. आप कहोगे मैम 35 किलोमीटर तक ये थिनेस्ट है, और आप इसको थिनेस्ट कह रहे हैं? 35 किलोमीटर तक है इसकी और फिर भी आप इसको थिनेस्ट कह रहे हैं. इसलिए इसको थिनेस्ट कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अदर लेयर्स. अगर हम अदर लेयर्स से इसको कंपेयर करेंगे तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर ही होती है. और जिसमें क्या होते हैं? कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं, जिसमें सारे कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं. ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशियन क्रस्ट.
अगर हम इसको ओशियन क्रस्ट पर देखेंगे तो इसकी वहां पर जो मोटाई है वो केवल कितनी है, ओनली 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ओनली ओशियन पर। थोड़ा सा बच्चों आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि हाँ, थोड़ा सा देखें हम आपको किस तरह समझा रहे हैं कि लैंड एरिया पर इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है, लेकिन ओशियन वाली अगर आप लेयर पर देखेंगे तो इसकी ओनली मोटाई जो है वो कितनी है, थिक जो है वो केवल कितनी थिक है, केवल 5 किलोमीटर। वो कैसे देखेंगे कि हम आप सभी या हम सभी लोग किस एरिया पर रहते हैं, लैंड एरिया। लैंड एरिया पर जो हमारी क्रस्ट लेयर है उसकी मोटाई है 35 किलोमीटर, लेकिन ओशियन और जो सी होता है वो क्या है, अगर हम ओशियन में भी अगर हम सबसे डीपेस्ट पॉइंट में जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, एक ऐसा पीरियड आएगा, एक ऐसा एरिया आएगा जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, लैंड देखने को मिलेगी। वो वाला वहाँ पर अगर हम इसको क्रस्ट लेयर को अगर हम वहाँ से डिग करना स्टार्ट करेंगे तो केवल 5 किलोमीटर ही हमें खोदना पड़ेगा और हम मेंटल लेयर पर पहुँच जाएंगे। अगर हम लैंड एरिया से क्रस्ट को खोदना स्टार्ट करेंगे तो हमें कितने किलोमीटर खोदना पड़ेगा, डिग करना पड़ेगा 35 किलोमीटर। क्योंकि चाहे हमारे ओशियन है चाहे सी है, इनके नीचे भी क्या है, कौन सी वाली लेयर है, लिथोस्फीयर लेयर होती है। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े विशाल अर्थ पर गड्ढे ही तो हैं जिनमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि लैंड एरिया पर जो किसकी मोटाई, क्रस्ट की मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर है, और कहाँ पर, ओशियन पर इसकी जो थिक है वो कितनी है, ओनली 5 किलोमीटर। अब ये लेयर जो बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, वो दो चीज़ों से बनी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल अगर हम लैंड एरिया पर बात करें तो ये किससे बनी हुई, सिल्का एंड एल्यूमिनियम से बनी हुई ये लेयर है, और जिसको हम क्या कहते हैं, शियार। लैंड एरिया पर जो क्रस्ट लेयर बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सियाल से मिलकर बनी हुई है, जिसमें दो चीज़ें सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं, सिल्का एंड एल्यूमिनियम। लेकिन वहीं पर जो कॉन्टिनेंटल जो लैंड एरिया है वहाँ पर जो हमारी क्रस्ट लेयर है वो दो चीज़ों से, सिल्का एंड मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। अगर हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम कैसा होता है, हल्का होता है वेट में, और मैग्नीशियम जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है। तो ओशियनिक जो ये वाली जो लेयर है क्रस्ट की, ये किन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, शियाल एंड मैग्नीशियम। तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं सीमा, और लैंड एरिया पर जो क्रस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझिए आप ध्यान से, अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रस्ट लेयर जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ पर इसको हम कहते हैं सियाल, और जो ओशियनिक जो लेयर है उसको हम कहते हैं सीमा। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों के मिलने से ये बनी हुई ये लेयर है, किन दो चीज़ों के, सिल्का एंड मैग्नीशियम। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीमा। लैंड पर किन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, सिल्का एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लेयर होती है वो काफ़ी हल्की होती है, और यहाँ पर जो होती है वो काफ़ी कैसी होती है, हैवी लेयर होती है। ये 5 किलोमीटर थिक है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा हैवी लेयर होती है, किसके अकॉर्डिंग हैवी लेयर होती है, जो हमारी लैंड एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो ओशियनिक जो क्रस्ट है वो ज़्यादा हैवी होती है। तो हमारा ये वाला टॉपिक आज फिनिश होता है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में।